अंतर्राष्ट्रीय रामकथा समिति की ओर से जो निबंध स्पर्धा का आयोजन किया गया था उसके विजेता बालकों को पूज्य बापू के हाथ से पुरस्कार अर्पण करने का कार्यक्रम होगा। उसके लिए मैं श्रीमती लीना परीख को याचना करता हूँ कि वो स्टेज पर आएं। ऑन बिहाफ ऑफ द एसए कॉम्पिटिशन कमिटी आई वुड लाइक टू थैंक एंड रिकॉग्नाइज all participants for contributing their thoughts on Ramayana and its divine characters. We were happy to receive entries from India, England, and various states of USA. To be specially appreciated are the parents who have encouraged their children to participate. Each participant will receive a certificate signed by Pujya Bapu along with a cash prize. Winners and participant names were announced yesterday by Dr. Jayaraman. Unfortunately, only three of the participants were able to attend today. We would like to quote from a few papers. Krishna Ajwalia of the Vivekanand Institute of Wayne, New Jersey, is our first prize winner of $151 in the junior category. He expresses the teachings of Ramayana so eloquently, and I quote, God's name is very powerful than God himself. Hanuman's unshakable faith took him across the ocean. It was his faith that led him to Sita and saved him from getting burnt. Faith is therefore the first and most important quality in the spiritual path. Pujya Bapu will now award him the prize. Krishna Ajwalia. Beena Desai, who has jointly won the second prize in the junior category,
summarizes Sita's character. And again, I quote, Sita is a very strong character in the Ramayana. She sets a very good example for the women of today. She wanted to be with her husband at the worst times or the best times. Today's women should follow in her footsteps. She was very sensitive and she was not selfish. When the people of Ayodhya asked her to leave, she didn't argue. She agreed and left soon afterwards. I think she's a very good person to follow. We look forward to increased participation from children and parents alike in future events. Thank you. परम पूज्य बापू को श्रोतागणों की ओर से नम्र विनंती है कि आज की कथा का प्रारंभ करें। Shri Ram.
I'm gonna
मशक समान रूप का धरी में सात नगरी मोक्षदायी का है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती। ये सात नगरी जो हैं वो मोक्षदायी का है। हमारे संत लोग कहते हैं कि रामायण के जो सात कांड हैं वो एक एक नगरी है। बालकांड अयोध्या नगरी है, क्योंकि भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ, फिर ब्याह कर प्रभु अयोध्या आए, तो बालकांड का स्मरण, श्रवण, आचरण
मुक्ति पूरी होने के कारण जीव को मुक्त करता है। अयोध्या मथुरा, मथुरा भी मुक्तिदायी है, तो अयोध्या कांड ये मथुरा नगरी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए और फिर व्रजवासी रोते रहे, ऐसे अयोध्या कांड की कथा में प्रभु वनवासी हुए और अवधवासी रोते रहे, इसलिए अयोध्या कांड को मथुरा माना गया है, जिसमें मंथरा की भूमिका है। तीसरा कांड अरण्य कांड, वो मायापुरी है। अरण्य कांड की कथा आप जानते हैं, उसमें सब माया के प्रसंग हैं। जयंत माया करके आया, फिर शूर्पणखा आती है माया करके, फिर भगवान राम भी माया करके जानकी जी को अग्नि में समाविष्ट कर देते हैं और मायावी रूप रखवाते हैं, फिर मारीच मायावी बन कर आता है, रावण भी मायावी बन कर आता है, पूरे सब माया के प्रसंग है उसमें, इसलिए वो मुक्तिदायिनी तीसरी नगरी मायापुरी है। अयोध्या मथुरा माया काशी, किष्किंधा कांड काशी नगरी है। काशी में शिव की महिमा है, इसलिए किष्किंधा कांड में हनुमान जी का चरित्र शुरू होता है। हनुमान जी शिव के अवतार हैं और गोस्वामी जी किष्किंधा कांड शुरू करते हैं तो काशी वंदना से करते हैं, मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अगहानी कर, जहां बस शंभु भवानी सो काशी से इन कसन। सुंदर कांड सुबह में कहता था, वो विष्णु कांची और शिव कांची हरिहर मुख का चरित्र है, इसलिए वो कांचीपुरम है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, अवंतिका यानी उज्जैन। लंका कांड उज्जैन है, उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी है और लंका कांड में महाकाल का तांडव है, सभी राक्षसों का नाश है, इसलिए महाकाल की नगरी है। लंका कांड उज्जैनी है और उत्तर कांड द्वारिका है। द्वारिका में जैसे भगवान श्री कृष्ण राजाधिराज हुए और सब बहुत आनंदित हुए, वैसे उत्तरकांड की कथा में भगवान का राज्याभिषेक होता है और इसलिए संतों ने उसको द्वारिका कहा है। तो ये मानस के जो सात कांड हैं वो सात पुरी हैं, सात नगरी हैं। इन सातों का श्रवण स्मरण यानी स्मरण यानी पाठ, श्रवण यानी कथा सुनो, आचरण उसका आचरण करो, तो मोक्ष मुक्ति इंसान के लिए सुलभ हो जाती है, जीवन मुक्ति मिल जाती है। ऐसे ये सात कांड की कथा है। तो बाल कांड कल हमने संक्षेप में पूरा किया, अब अयोध्या कांड का संक्षिप्त दर्शन करें। वैसे मैं ये कांडों की चर्चा सुबह एक जिज्ञासा के कारण करने लगा, लेकिन एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि गोस्वामी जी ने कोई कांड का नाम नहीं दिया है, ध्यान देना। रामचरितमानस में किसी कांड का नाम है ही नहीं, ये तो एक प्रथा चालू कर दी गई प्रकाशन में। गोस्वामी जी ने प्रथम सोपान, दूसरा सोपान, तीसरा सोपान ही कहा है, फिर वाल्मीकि के न्याय पर हमने नाम दे दिया था उसमें, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, और ये प्रथा बन गई। मेरे बाबा जी के मूल रामचरितमानस में किसी कांड का नाम नहीं, केवल सप्त सोपान की ये कथा है, सप्त प्रबंध की ये कथा है केवल। बहुत बहुत अच्छा निर्णय है गोस्वामी जी का, किसी कांड का नाम नहीं है। फिर ये तो हम कहते हैं, इसलिए वो तो लगा दिया है हम लोगों ने, लोगों की सुविधा के लिए। बाकी श्री रामचरितमानस से सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम प्रथम सोपान समाप्त।
फिर बाल कांड तो लोगों के परिचय के लिए, फिर मानस के पृष्ठ पर शुरुआत में भी बाल कांड लिखा है, तो एक फिर प्रथा हो गई। वाल्मीकि जी के ये सब कांड है, गोस्वामी जी के सब सोपान है, उसमें कहीं नामकरण किया ही नहीं। यही मशुभग सप्त सोपान की ये कथा है, केवल सोपान शब्द, सोपान यानी सीढ़ी के सोपान, भगत ही तुम एक सोपान चढ़ो, फिर दूसरा चढ़ो, फिर तीसरा चढ़ो, ये सब सोपान है, सीढ़ी है। गोस्वामी जी ने अपने मूल रामचरितमानस में किसी कांड का नामकरण नहीं किया है, कांड रामायण के है, रामचरितमानस के नहीं है, इसमें केवल सोपान की व्यवस्था है। फिर भी परिचय के लिए, जानकारी के लिए कांड नाम दे दिया गया। तो अयोध्या कांड जो सुबह में कह रहा था कि व्यथा का कांड है, इसमें एक बड़ी विपत्ति अयोध्या पर आई। मानसकार प्रारंभ करते हैं, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णऊ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। रघुवर का यश वर्णन करने में जा रहा हूँ, इसके दो अर्थ होते हैं, रघुवर राम भी हैं और रघुवर भरत जी भी हैं। रघुवर माने रघु में श्रेष्ठ, तो भरत जी को भी रघुवर कहते हैं। तो अयोध्या कांड में भरत जी का चरित्र महत्व का है, इसलिए रघुवर चरित्र कह रहा हूँ, इसका मतलब भरत चरित्र भी कह रहा हूँ, भरत चरित्र के अयोध्या कांड में प्रधानता है। मानसकार कहते हैं, जब से राम जी ब्याह कर आए हैं, अयोध्या में नित नव मंगल बोध हो रहा है। ब्याही घर आए नित नव मंगल बोध बधाए, जब ते राम ब्याही घर चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि बारी। भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि आई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि आई। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जनु एतने बिरंची करतूति। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जनु एतने बिरंची करतूति। सब विधि सब पूरे लोग सुखारी, राम चंद्र मुख चंद्र निहारी। सब विधि सब पूरे लोग सुखारी, राम चंद्र मुख चंद्र निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोकि मनोरथ बेली। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोकि मनोरथ बेली। मनोरथ बेली मनोरथ बेली।
अयोध्या कांड का आरंभ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अद्भुत दर्शन है। संक्षेप में गोस्वामी जी कहते हैं कि जब से सीता जी को ब्याह कर प्रभु पधारे, अयोध्या का सुख कई गुना बढ़ गए। जैसे आकाश में बादल चढ़ाए और फिर पानी बरसता है, और जब बहुत मूसलाधार वर्षा हो जाए तो तालाब सरोवर छलक जाए, नदियों में बाढ़ आए, और ये बाढ़ वाली नदियाँ जैसे अपने पानी को समंदर में डालती हैं, ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं कि राम के ब्याहने के बाद अयोध्या में पुण्य के मेघ छा गए, और ये पुण्य के कारण इतना सुख बरस रहा है अयोध्या में कि रिद्धि सिद्धि और संपदा की नदियों में बाढ़ आ गई, और ये सब रिद्धि सिद्धि अयोध्या के समुद्र में मिलने लगी, यानी बहुत समृद्धि आ गई। देखो भाई, बहुत समृद्धि आती है तो फिर तैयार रहना चाहिए बड़ी विपत्ति के लिए भी। ये भय नहीं है, चेतावनी है, जीवन का क्रम है। मैं कल भी कह रहा था, धरती पर सुख और दुख दोनों हैं, यहां एक का चुनाव तुम नहीं कर सकते। इतना आनंद और इतना सुख बढ़ गया अयोध्या में कि अब वहां विपत्ति आने को है। सुख जरूरी है, भगवान सबको सुख दे, सबको मिले दाता सुख का वरदान, सबको भगवान सुख दे, लेकिन सुख की एक मर्यादा होनी चाहिए। कोई भी चीज का, विवेकानंद जी को इंटरव्यू में पूछा गया कि जहर किसको कहते हैं, विष किसको कहते हैं, बड़ा सुंदर जवाब दिया इंटरव्यू साक्षात्कार, बड़ा तर्क संगत जवाब दिया। पूछा कि विष किसको कहते हैं, तो उसने जवाब दिया, कोई भी वस्तु हद से बढ़ जाती है तो विष ही हो जाती है, कोई भी वस्तु जब मात्रा से बढ़ जाती है विष हो जाता है। बड़ा सुंदर जवाब दिया। एक जगह गुजराती में इंटरव्यू होता, પછી એક છોકરાનો ઇન્ટરવ્યૂ લેવાતો, એમાં ઇન્ટરવ્યૂમાં બધા બેઠેલા, એને પૂછ્યું છોકરાને કે તમારા બાપુજી શું કરે છે, કે મજા કરે છે, એવો આ જવાબ નહોતો, બડા તર્કસંગત ઓર સહી જવાબ થાય। કોઈ ભી ચીજ મર્યાદા સે બઢ જાતી હૈ જહેર હો જાતી હૈ। કિતના સુંદર હૈ, સુખ ભી અપની લિમિટ સે બઢ જાતા હૈ તો દુઃખ હો જાતા, ध्यान देना। लेकिन फिर भी हम उसको समझ नहीं सकते, समझ नहीं पाए। हम तो गुजराती में कहा करते, जेटला फैलाया एटला फसाया, बस जेटला वधारे फैलाया एटला फसाया, आ सिवाय बीजू कोई परिणाम नहीं। ये करो ये करो ये करो, जितना विस्तार करो इतना फंसना है मेरे भाई। इसका मतलब ये नहीं, मैं फिर एक बार भगवती श्रुति को याद करूं कि ये इन धनेन प्रपणम चरामि, धन कमाओ सुख भोगो, लेकिन सुख भोगने के लिए भी त्याग की जरूरत है। अयोध्या का सुख इतना बढ़ गया कि गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि अयोध्या के सुख साधन को देखकर लगता है कि विधाता की रचना इतनी ही है, इससे ज्यादा कहीं सुख हो ही नहीं सकता, ऐसा एक रूप हो गया अयोध्या। सब प्रकार से सब लोग सुखी थे रामचंद्र के मुख को देख करके। सुख दुख है समय कृत्वा, ये भूमिका आ जाए तो अयोध्या कांड दुख नहीं देगा,
वरना प्रत्येक जीवन का, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अयोध्या कांड आदमी को रुलाएगा। सबको सुख का वरदान मिले, लेकिन इस सुख की एक मर्यादा भी तो होनी चाहिए, वरना आप सब जानते हैं, आप इतना प्राप्त कर लेते फिर सो भी नहीं सकते रात को। हाँ, मेरे पास कोई आता है कि बापू नया धंधा करना है, मेरा तो ये विषय ही नहीं कि धंधा क्या करे क्या करे, मेरा तो ये काम ही नहीं, लेकिन लोग श्रद्धा से आए पूछे कि हम नई फैक्ट्री करें, हम नया धंधा करें, फला करें फला करें, आप जरा आशीर्वाद दो। तो हम इतना ही कहते हैं कि देखो भाई, मुझे तुम्हारी तुम्हारे प्रति ममता है, तो हम इतना ही कहे कि जो करो करो, लेकिन दोपहर शाम जब तुम भोजन करते हो तब चैन से भोजन कर पाओ और रात्रि में चैन से सो पाओ, ऐसा धंधा करना। जो धंधा और प्रवृत्ति आपको ठीक से भोजन न करने दे, रात को ठीक से सोने न दे, तो तुमने क्या पाया? हाँ, इससे तो हम नहीं आनंद में, जब भी सोना चाहे सो जाए। हाँ, गाड़ी कोकनी फरिए हमें, मकान कोई ना रहिए हमें, न कोई टैक्स लागे, न कोई तकलीफ, न कहीं। इसलिए पंजाबी भाषा में कहते हैं, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा दी। यानी त्यागमय जीवन, भगवत भक्तिमय जीवन, मर्यादामय जीवन, उसमें जो आनंद है। कभी तो सोवे राजमहल में, 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 और कभी तो गली अहीरा दी, और कभी तो गली अहीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे कभी तो चाहे चना चबेना, 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 कभी लपटा लेंदे खीरा दी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, 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 गुदड़ी फटिया लीरा दी, कभी गुदड़ी फटिया दी, कभी गुदड़ी फटिया लीरा दी, कभी गुदड़ी फटिया दी, वाह वाह रे मौज फकीरा 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 दी। एक जीवन की नीति इंसान में होनी चाहिए कि सुख कहाँ तक, क्योंकि तुम्हारे शरीर की भी मर्यादा है, तुम कितना भोग पाओगे, तुम्हारा पांच भौतिक शरीर है उसकी सीमा है, कितना तुम सो पाओगे, कितना खा पाओगे, कितने कपड़े पहन पाओगे, इसकी सीमा है तुम्हारे शरीर की। तो धन कमाना चाहिए, नहीं कमाना ऐसी कोई बात नहीं, कमा, लेकिन सत्कर्म में उसका सदुपयोग करते करते कुछ मर्यादा भी तो होनी चाहिए। अति सुख फिर आदमी को दुख की ओर धकेल देता है।
लोग कहते हैं भगवान की दया है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं। हम तो सोचते हैं कि शांति कौन ले गया तुम्हारी, कोई साधु संत आकर ले गया तुम्हारी शांति? तुमने अपने हाथों से शांति गंवा दी है, क्योंकि तुम इतने फैल गए कि अब ऐसे फंस गए कि निकालना दल दल से बड़ा मुश्किल है। बहुत विवेक से रहना, धन कमाना, अच्छा काम करो, कमाओ, बहुत सुखी रहो, लेकिन उसकी भी तो कोई सीमा होती है ना, है? और सबके जीवन में अक्सर हम देखते रहते भाई कि सब कुछ न कुछ, इतना भगवान ने सुख दिया फिर भी तकलीफ तो है ही। तो मैं एक बार सोच रहा था, इसलिए मैं मेरे मन में बात बैठी तो सबको कह रहा हूं कि इतने सुख में भी आपको दुखी रहने की आदत है ना, इतने सुखों में भी आप दुखी रह सकते हैं, तो जरा अभ्यास करो ना, दुखों में भी सुखी रहने की आदत डाल दो ना। तुम में ये वृत्ति तो पड़ी है, तुम्हारा अनुभव तो है कि सब प्रकार का सुख है, फिर भी तुम दुखी रह सकते हो, उदास रह सकते हो, मारे मारे घूम सकते, सब प्रकार के दुख है फिर भी तुम, सुख है फिर भी तुम दुखी रह सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक अभ्यास है। तो अर्थ ये हो गया कि तो फिर दुख में भी सुखी रहने का अभ्यास कर दो। भगवान राम को राज तिलक की खबर मिली तो न चेहरे पर प्रसन्नता आई, और वन जाने की बात आई तो न ग्लानी आई, मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदास्तु सामंजुल मंगल प्रदान। सुख दुख समय समान कर लिया, लाभा लाभो जया जय। कोई भी कर्म करने में तकलीफ नहीं अर्जुन, लेकिन ये तीन को तू सम करके कर। अर्जुन ने कहा कि चलो अब लड़े, शुरू कर दे युद्ध। बोले नहीं नहीं खबरदार, पहले लड़ना मत, मैं लड़ने के लिए तुझे उकसा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सीधा लड़ने लगता हूं। सुख दुख को पहले समान कर, लाभ अलाभ को समान कर, जय पराजय को समान, इस भूमि पर लड़। महाभारत का युद्ध स्थूल रूप में कुरुक्षेत्र भई की भूमि पर लड़ा गया है, लेकिन अध्यात्म अर्थ में तो सुख दुख की समस्थल भूमि पर लड़ा गया है, लाभ अलाभ की समतोल जमीन पर लड़ा गया है, और जय और पराजय की समान भूमिका पर लड़ा गया है। इसलिए कर्म करते हुए भी कोई बंधन नहीं लगा। तो सुख में दुखी रह सकते हैं हम, तो दुख में भी सुखी रहना सीख लो, हो सकता है अभ्यास करने से। तो श्री अयोध्या में अब जो घटना घट रही है वो जीवन के सुख दुख का राज खोलती है। सब माताएं सुखी हैं, प्रसन्न हैं, मुदित हैं, क्यों कि अपनी एक मनोरथ की बेल बोई थी माताओं ने, उसको फल लग गए, इसलिए माताएं राजी हैं। मनोरथ था कि पुत्र हो, चार पुत्र हो गए, मनोरथ था कि ब्याह हो, जनकपुर में ब्याह हो गया, तो अपने मनोरथ की बेल को फल लग गए। लेकिन एक कैकेयी माँ जिसने सोचा कि फल तो लग गया है लेकिन अभी पका नहीं, और जैसे आम आम लग जाता है आम के पेड़ पर तो फिर उसको पकाया जाता है, लोग घास की पुलियों में आम को रख देते हैं, कैरी को, फिर कभी वो गर्मी के कारण पक जाता है। माँ कैकेयी ने सोचा कि हमको राम, हमारे मनोरथ की वेल को राम रूपी फल तो मिल गया, लेकिन ये राम रूपी फल पकेगा तभी जब 14 साल घास फूस की कुटिया में रहेगा। संसार को राम राज्य तभी मिलेगा जब राम वनवासी हो जाए। बहुत वर्षा हो तब हम सोचते हैं कि अब थोड़ी देर के लिए सूरज निकले तो अच्छी बात है, थोड़ी धूप चाहिए, जरूरी है। तो माँ कैकेयी के मन में भगवत प्रेरणा से कुछ ऐसे विचार उठ जाते हैं, और यहाँ महाराज दशरथ जी को मुकुट धारण करने से, सफेद वाल देखने से विचार उठता है, और यहाँ देवताओं को विचार उठता है कि राम गादी पर बैठ गए तो हमारा क्या होगा, और फिर वो सरस्वती को, विचार की देवी जो है उसको प्रेरित करते हैं, और सरस्वती मंथरा के मानस में वो कर देते हैं। पूरी कथा
आप जानते हैं। तो एक बार महाराज दशरथ जी अयोध्या के राज दरबार में बैठे हैं, चारों ओर से राजा की जय जयकार हो रही थी। उसी समय दशरथ जी ने दर्पण लेकर अपना चेहरा दर्पण में देखा है और देखते देखते कान के पास बाल सफ़ेद हो गए। वो देखकर महाराज को बड़ी प्रेरणा मिली, बड़ा गुरु बोध मिल गया। इस प्रसिद्ध कथा को गोस्वामी जी चौपाइयों में लिखते हैं। राय सुभाय मुकुर कर निहार, राय सुभाय मुकुर कर निहार, बदन बिलोती मुकुट समकीन्हार, बदन बिलोती मुकुट समकीन्हार, बदन बिलोती मुकुट समकीन्हार, बदन बिलोकी मुकुट समकीन्हार। श्रवण समीप भय सित के सा, 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 मन जगत पर हस उपदेसा, मन जरत पर हस उपदेसा, मन जरत पर हस उपदेसा, मन जरत पर उपदेशा, एक समय सर सहित समाजा, एक समय सर सहित समाजा, राज सभार गुराज विराजा, राज सभार राज विराजा, राज सभार गुराज विराजा, राज सभार राज विराजा। एक समय, वैसे तो रोज सभा मिलती थी, लेकिन एक समय की जो ये सभा है वो बड़ी क्रांतिकारी निकले। राज सभा में महाराज दशरथ जी बैठे हैं, सब लोग दरबारी लोग बैठे हैं, और राजसभा खचाखच भरी थी, कोने कोने से राम की और दशरथ जी की सराहना हो रही थी। राम की कीर्ति को, राम के यश को सुनकर महाराज को बड़ा आनंद हो रहा था। उसी समय राजा ने संसार को एक दर्शन दिया कि इतने लोग मेरी वाह वाह कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, तो जरा मैं दर्पण में अपना चेहरा देख लूं कि मैं इस सम्मान के योग्य हूं कि नहीं, मैं इस वाह वाह के लायक काबिल हूं कि नहीं। बड़ा आत्मदर्शन करने वाला ये प्रसंग। चारों ओर से जब जय जयकार होता था तब महाराज ने दर्पण में चेहरा देखा। ऐसे राजसभा में कोई दर्पण में चेहरा देखे वो कोई राजनीति और मर्यादा के साथ सुसंगत नहीं है, लेकिन यहां दर्पण निज मन मुकुर सुधार, अयोध्या कांड में जो पहला दर्पण दिया है वो मन रूपी दर्पण में देख लिया, आत्मचिंतन कर लिया, दर्पण में देखा, मुकुट ठीक कर लिया, सम कर लिया, सम सुख दुख, जय पराजय, लाभ बदन विलोकी मुकुट सम किन्हा। गीता का जो सम शब्द है, संगीत में गाने वाले जब घूम घूम करके सम पर चले जाते हैं, ये सम बड़ा दिव्य शब्द है। जीवन सम आधारित हो। दशरथ जी ने मुकुट सम कर लिया, यानी बुद्धि ठीक कर ली, सम कर लिया, और देखा कि कान के पास बाल सफेद हो गए, तो उसको बाल सफेद नहीं दिखाई दे, लगा कि वृद्धावस्था बूढ़ापा सफेद बाल का रूप लेकर मेरे कान में गुरु मंत्र दे रहा है। किसी को दीक्षा दी जाती है, गुरु मंत्र दीक्षा वैदिक परंपरा से दी जाती है, तो
वेद का घोष होता है, वाद्य शंख नाद आदि सब बजाए जाते हैं, उसी समय गुरु शिष्य को दीक्षा दे देता है कान में। तो महाराज दशरथ जी के कान में ये सफेद बाल मानो गुरु मंत्र दे रहा कि बूढ़े हो गए राजन, अब राज्य गादी राम को सुप्रत कर दो, जीवन सफल कर दो। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। कानों के पास बाल सफेद होने लगे तो व्यक्ति को धीरे 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 प्रतिवर्ष योजना बनानी चाहिए कि एक वर्ष में इतना छोड़ा, अब अगले साल में इतना छोड़े, इस साल में इतना भजन किया, अगले साल में इतना भजन, ऐसे धीरे धीरे क्रमशः छोड़ना चाहिए। अब तो एक देश काल बदल गया है, हमारा खाना पीना ऐसा हो गया सबका, इसलिए सफेद बाल होने में कोई वो नहीं। बाकी प्राचीन भारत में तो कहते कान के पास ही पहले सफेद बाल होते थे, ये सबको प्रेरणा देते। बस हम तो हर कथाओं में कहते थे कि कान के पास सफेद बाल हो जाए तो समझना कि बस अब तैयारी करें। यहाँ मुझे खबर नहीं है तुम्हारे डाक विभाग का क्या मामला है, ये जो मेल जो टपाल आती है, लेकिन हिंदुस्तान में एक टपाल बुक पोस्ट से आती है, आपको पता है ना भाई, बुक पोस्ट से। बुक पोस्ट से जो टपाल आए ना वो कोई भी खोल सकता है ना, खाली बुक पोस्ट लिख दो आप तो वो कोई भी खेल, अखबार आदि जो ऐसे कुछ पुस्तकें ऐसी कोई बात है, वो बुक पोस्ट से लोग, कम स्टैंप लगती है ना उस पर, बुक पोस्ट सबको पता लग जाए। इस सफेद बाल है ना वो बुक पोस्ट से टपाल आई, भगवान का एक पत्र आ गया बुक पोस्ट, सबको पता लग जाए कि आया, इसमें कोई छिपा नहीं सकता। फिर तुम कोशिश करो रंग रोगान करके, फिर बात और है, आगे पता लग जाता। मुझे हर वक्त लोग पूछते, यहां भी एक भाई ने कल प्रश्न पूछा है कि बापू आपकी दाढ़ी सफेद है और बाल काला, इसका मामला क्या। लोग हम में कितनी रुचि ले रहे हैं, हर वक्त बोलो। इसे एक युवान का प्रश्न था, ये बताइए क्या बात, आप कौन सा रंग यूज करते हैं, हम कोई रंग रंग बंग नहीं लगाते। हाँ लोग मानते कि ये सब सफेद और ये, बोलो लोगों को ऐसा लगता है। मुझे न घर उतरो या न घर पूछो न कबाट ना खाना बाना खोले जो ही लोग छे कहीं अंदर कहीं रंग बंग जो कहीं करे क्या करता है। लोग मुझे पूछते हैं तो मैं कहता हूँ भाई देखो मैं अपनी चिंता नहीं करता इसलिए ऊपर वाला भाग काला रहता है, तुम्हारी चिंता किया करता हूँ इसलिए ये भाग सब सफेद। बोलता रहता हूँ ना अक्सर, बोलना 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 बोलना, इसलिए। तो ये बुक पोस्ट से चेतावनी वाली बात है। फिर हिंदुस्तान में एक जो पत्र आता है वो लिफाफे में बंद बंद कवर में आता है ना, वो कोई खोलेगा नहीं। दूसरी चेतावनी बंद कवर में आती, जैसे दांत गिर जाए ज्यादा पता ना लगे लेकिन अंदर से दो चार उठ गए हो, किसी को पता नहीं लगेगा, आप ज्यादा उसको संभाले तो संभाल सकते हैं, वो बंद कवर में चेतावनी है कि लोगों को ज्यादा पता ना लगे, ये बंद कवर में आई चेतावनी। तीसरा आता है रजिस्टर एडी से, रजिस्टर एडी से, वो तो वो ही ले सकता है जिसके नाम का, क्योंकि साइन करके देना पड़ता है ना, साइन करने पर वो जिसका हो उसको ही पता लगता है, दूसरे को पता नहीं लगेगा।
बीपी बढ़ जाना, शुगर का बढ़ना, कम होना, बीपी का कम होना, कुछ शरीर में तकलीफ होना, ये सब उसको ही पता लगेगा। और चौथी आती है अंगड़ी अथरू आती है हिंदुस्तान में ऐसा आता है अंगड़ी अथरू, हार्ट अटैक अंगड़ी अथरू आता है सीधा। हाँ? मेरे भाई बहन, सफेद बाल होना एक चेतावनी है। एक उम्र होने के बाद आदमी को अब उज्जवल जीवन जीना है। अब उसका पक्ष धवल हो जाए, शुभ्र पक्ष हो जाए। बड़ी बड़ी सुंदर चेतावनी है। ऐसा समझता है कि अपना मकान है, इसलिए रंग रोगन करता ही रहता है। सफेद हुआ तो काला किया, ये किया ये किया, करता ही रहता, मानो अपना मकान समझ करके उसको रंग रोगन लगाता ही रहता। जाने ये मकान करया रंग ने रोगन, जाने ये मकान करया रंग ने रुगान, जाने मकान रंग ने रुगान, जाने कायम राख्यू हो वेचाण मां तारे रे वू भाड़ा नाम कान, जाने कायम राख्यू हो वेचाण मां तारे रे फरे छे मान मां तारे रे हड़ा नाम कान, जीव शाने फरे छे मान मां तारे हड़ा नाम कान, तारे रे कैसे तारा कान मां तारे रे वू भाड़ा नाम कान, ये काल आवी ने कैसे तारा कान मां तारे रे वू भाड़ा नाम कान, हाँ काल आवी ने कैसे तारा कान मां तारे रे वू भाड़ा फरे छे मान मां तारे रे भाड़ा नाम कान, जीव साने फरे छे मान मां जी तारे रे भाड़ा नाम कान, काल आवी ने कैसे तारा कानवा, श्रवण समीप भय सित कैसा मनहु जरठपन अस उपदेश। तो सफेद बाल का होना एक गुरु बोध है व्यक्ति के लिए कि अब सब छोड़, धीरे धीरे तू सौंपता चल, देता चल,
महाराज दशरथ जी को दर्पण में देखने से ये अंतर प्रेरणा हुई है। हम सबके लिए भी ये बोध है कि एक उम्र हो जाए, सब प्रभु ठीक ठाक कर दें, तब अपना आत्मचिंतन करते हुए सोचना चाहिए कि अब सब संतानों को देकर धीरे 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 निवृत्ति की ओर चले। श्रेय और प्रेय दो मार्ग है हमारे वेदांत में, दो राह पर जब खड़ा हो जाए आदमी, जहां से दो रास्ते निकले वहां सत्संग किया होगा तो निर्णय कर पाओगे कि श्रेय मार्ग ले कि प्रेय मार्ग ले। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। महाराज को मार्ग मिल गया, निर्णय मिल गया, जो विचार आया उसको बांध लिया, तो उसने इस विचार को पकड़ लिया। बिजली ने चमकारे जब मोती परोवी ले, मन में अच्छा विचार आ जाए तो उसको तुरंत बिल्ट उसको पकड़ लेना, उसको बांध लेना, क्योंकि ये मन बड़ा चालाक है, कब घुमा दे क्या पता। इसलिए महाराज ने इस विचार को पकड़ लिया। बुढ़ापा आ गया है, अब राम को राज तिलक कर दे। दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी के द्वार गए हैं, पुत्र चाहिए थे तब भी गुरु के द्वार गए, और पुत्र को सब कुछ देकर वानप्रस्थ होना है तब भी गुरु के पास। कोई भी जब सदगुरु को समर्पित हो जाओ ना भाई, तब ये नियम है, अपने गुरु की राय के बिना कोई त्याग का निर्णय भी गुरु की राय के बिना मत करना, क्योंकि तुम कच्चा फल तोड़ते हो कि पक्का, वो तुम्हारा गुरु जानता है, तुम नहीं। इसलिए साधक शरणागत साधक के लिए सब चर्चा है, प्रपन्न साधकों के लिए कोई भी निर्णय लेना है वो अपने सदगुरु की आज्ञा से लेना पड़ता है। आप कहें कि सदगुरु हमारे पास न हो तो उनकी तस्वीर के सामने निर्णय लिया जाता है, उनकी ये प्राचीन भारत की परंपरा है, पादुका के पास निर्णय लिया जाता है। निष्ठा प्रबल है तो कोई न कोई रूप में प्रेरणा मिल जाती है। तो महाराज दशरथ जी वशिष्ठ जी के द्वार गए, गुरुदेव को प्रणाम करके कहा कि बाबा राम सब प्रकार से लायक हो गया है, पूरा समाज उसकी सराहना करता है, और मेरे बाल भी तो सफेद हो गए, कब तक ये धुरा संभालूं। आप कहें तो मैं राम को राज्य दे दूं, राज्याभिषेक कर दूं, भविष्य के राजा की घोषणा कर दूं। बात सुनकर वशिष्ठ जी बहुत राजी हुए, दशरथ जी को कहने लगे राजन आपने बहुत सुंदर निर्णय लिया। राजन जिसके भजन के बिना जीव की जलन शांत नहीं होती, जिसके विमुख रहने से जन्म जन्म जीव मार खाता है, ऐसा पुत्र, ऐसा ब्रह्म तुम्हारे घर पुत्र बनकर आया है, तुम बड़भागी हो। गोस्वामी जी वशिष्ठ जी के निवेदन को नोंद कर लेते हैं। सुनु भीत जासु विमुख पछताही, सुनु नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजनि जरनिन जाहि, जासु भजनि जरनिन जाहि, भय तुम्हारे तनै सोई भ
भजन से जीव की जलन शांत होती है, वो ब्रह्म तुम्हारे घर पुत्र बनकर आया है। आपने बहुत सुंदर निर्णय लिया राजन, जितना हो सके जल्दी कर दो, बेगी कर दो, विलंब न करो। सब तैयारी करके राम को राज तिलक कर दो, और उसके लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, जो समय राम को राज तिलक हो वही शुभ घड़ी है, उसके लिए और ढूंढने की जरूरत नहीं। तदैव लग्नम सुदिनम तदैव, वही क्षण मंगल है। लेकिन दशरथ जी ने महाराज को कहा, बाबा आप आज्ञा करें, सब तैयारी कर ली जाए, एक दिन की मुद्दत डाल दी कि कल किया जाए, और ये एक दिन की मुद्दत ने आप जानते हैं राम राज्य होते होते बाजी बिगड़ गई। जब मन में विचार आया कि त्यागना है, और जब गुरु ने भी हा भर दी, फिर तुम अपनी बुद्धि मत लगाओ वरना राम राज्य नहीं होगा। कितनी सुंदर बात बन गई थी, स्वयं का चिंतन और गुरु ने साइन कर दी कि ठीक है कर दो दे दो, फिर देर करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें कोई दान करने की प्रेरणा हो और फिर तुम तुम्हारे सद्गुरु को पूछो, तुम्हें कोई साधना करने की स्वयं स्फूर्णा हो जाए फिर तुम्हारे सद्गुरु को पूछो, और उसी समय तुम्हारा सद्गुरु हाँ कह दे तो फिर विलंब मत करना वरना चुक जाओगे। दशरथ जी ने चुक कर दी कि कल राज तिलक कर दे, तब तक सब तैयारियां हो जाए। गुरुदेव ने कहा कि कोई तैयारी की जरूरत, बस जब राज तिलक करो हो गई बात। एक दिन की मुद्दत, राम राज्य के लिए 14 साल का एक फासला कर देती है, दूरी पर लगा देती है राम राज्य। इसलिए व्यक्ति को भी चाहिए कि जब दो बात मिल जाए, स्वयं की स्फूर्णा और सदगुरु की प्रेरणा या तो आशीर्वाद, दो मिल जाए तो फिर देर नहीं करनी चाहिए। ये मणिकांचन योग को पकड़ लेना चाहिए, फिर देर करता है वो चुक जाता है। दशरथ जी के जीवन में ये घटना घटी। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, औषधि का नाम, इतने वस्त्र, इतने अलंकार, इतने पात्र, इतनी औषधियां, इतना जल, सब तैयारी करो। और प्राचीन भारत में ऐसा नियम ही था कि कोई भी राजा का राज्याभिषेक होता है तब उसके मृत्यु तक की सामग्री सब तैयार कर दी जाती है। चिता के लिए चंदन के काष्ठ भी उसी समय रख दिए जाते थे। भावी राजा कौन है उनके लिए राज्य तिलक की सभी तैयारियां पहले से बनी बनाई होती थी राज्यों में, ताकि कोई भी राजा का निधन हो तो तुरंत राज तिलक करने का वो था ना, तो उसमें विलंब न हो। तो मानो सब पहले से तैयार था और सब तैयारियां होने लगी हैं श्री अयोध्या में। भगवान वशिष्ठ जी को प्रार्थना कर दी गई कि आप राम जी के महल जाकर राम को समझा दीजिए, समाचार दे दीजिए कि काले राज तिलक हैं, उसको जो नियम व्रत निभाना चाहिए आप उसको कहें। पूरे नगर में धाम धूम हो रही है। महाराज दशरथ जी ने अपने राज्य के लोगों का भी लोकमत ले लिया है, सब तैयारियां पूरी होने को है। महाराज वशिष्ठ जी राम के भवन खबर करने के लिए और संयम सिखाने के लिए जा रहे हैं। बड़ी विचित्र बात तो ये हो गई कि जिसको राज मिलना है उसको संयम सिखाया जा रहा है, और जो जिसको सब कुछ छोड़ना है वो संयम को एक और करके देखूं काम प्रताप बढ़ाए, कई कई के प्रति आसक्ति में डूबने जा रहा है। बड़ा विचित्र मामला आ गया रामायण। जिसको राज मिलना, जो युवान है वो राम को संयम सिखाने की बात आई, और जो बूढ़ा है जिसका बाल सफेद हो गया वो कोप भुवन में कई कई में काम दर्शन करता है। राम राज्य की बनी बनाई भूमिका टूट गई। तो वशिष्ठ जी राम के भवन आए हैं और गुरुदेव का आगमन अपने भवन बिना निमंत्रण अनायास हुआ, भाग्य की निशानी समझकर राम जी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। और गोस्वामी जी लिख देते हैं, सेवक साधन
स्वामी आगर सेवक सदन स्वामी आगर मंगल मूल अमंगल दमन मंगल मूल अमंगल दमन प्रभु तात जी प्रभु किन हसने 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 भय पुनीत आज यह गे गुरुदेव को देखकर प्रभु ने वशिष्ठ भगवान को कहा कि सेवक के घर स्वामी का आगमन मंगल का मूल है बाबा, अमंगल का नाश करने वाला। आपने अपनी प्रभुता को त्याग कर मुझ पर स्नेह किया है, क्योंकि बड़ा छोटे पर स्नेह करता है, इस सिद्धांत का निर्वाह किया। आज ये भवन पुनीत हो गया। साक्षात प्रभु कहते हैं, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, वो राम वशिष्ठ जी को कहते हैं भयउ पुनीत आज यह गे हूँ। मेरा कोई काम होता तो मुझे बुला लेते बाबा, हुक्म करे क्या बात है। वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा, राघव महाराज दशरथ जी कल आपको राज्य देना चाहते हैं, आपको सब संयम व्रत निभाने हैं, उपवास करना है, फलाहार करना है, पृथ्वी पर शयन करना है, संयम नियम का व्रत धारण करना है आदि आदि। पहले के जमाने में जब किसी को शासन मिलता था तो उसको पहले तपस्वी बनाया जाता था, फिर राजा गादी पर बैठता। गोस्वामी जी कहते हैं राम को सब संयम नियम की चर्चा सुना दी, वशिष्ठ जी चल दिए और गुरुदेव के जाने के बाद भगवान को आश्चर्य होता है कि मेरे निर्मल वंश में एक कार्य अघटित हो रहा है। हम चारों भाई एक साथ जन्मे, हमारा कर्णवेद, हमारा नामकरण, हमारा यज्ञोपवीत चुड़ाकरण, यज्ञोपवीत सब संस्कार संग संग, और अंत में ब्याह भी संग संग हुआ, लेकिन मेरे विमल वंश में एक ये घटना अघटित हो रही है कि भरत रह जाए और मुझे शासन मिले। विमल वंश यह अनुचित विमल वंश विमल वंश यह अनुचित बंधु बिहार बड़े अभिषेक बंधु बिहार बड़े अभिषेक। इतना वैश्विक विचार भगवान राम के हैं कि मेरा विमल वंश यानी सूर्य वंश है और सूर्य वंश में ये कार्य ठीक नहीं हो रहा है। जितना कपड़ा ज्यादा स्वच्छ इसमें दाग जल्दी दिखाई देगा, ये सूर्य वंश है उसमें ये अनुचित समाज में फैल जाएगा, पूरा संसार जान लेगा कि ये तो अनुचित हुआ। सूर्य वंश नहीं होता तो कोई तकलीफ नहीं, और सूर्य का स्वभाव है महलों में कम जाना, खेतों में ज्यादा जाना, कुटियाओं में ज्यादा जाना,
बड़े नगरों में कम दिखाई देता है, खेतों में ज्यादा दिखाई देता है। तो सूर्य का तो ये स्वभाव है कि छोटों के प्रति ज्यादा प्रीत करना, और मेरा सूर्य वंश में यहां तो बड़ों की इज्जत हो रही है, बड़े को राज मिल रहा है, छोटा रह जाता है, ये तो ठीक नहीं। बंधु बड़े मेरा भाई राजा न बने और मुझे अभिषेक हो जाए, वो तो ठीक नहीं। कितना पावन विचार है। बस हम कथाओं में जब विस्तार से कहा करते तब कहते रहते थे कि भाई समाज का सब बड़ा, घर में मोटो भाई हो, बड़ा जो भी बड़ा हो, वो ऐसा संकल्प कर ले कथा सुन कि हमसे जो छोटे हैं उसको ज्यादा मिले तो परिवार में राम राज्य आ जाए। हमसे जो छोटे हैं उसका ज्यादा मिले। तो अभ्यास और समझ की बात है, एक बार देने की आदत बन जाएगी तो देने में बहुत आनंद है, बड़ा। हमसे जो छोटे हैं उसको ज्यादा सुख मिलो, उसको ज्यादा वस्तु मिलो, उसको ज्यादा अच्छे ढंग से रहने को मिलो। ये सब समाज का सब बड़ा व्यक्ति ये सोच ले तो क्रांति हो जाए संसार, लेकिन बड़ी मुश्किल है। हाँ, सगो भाई न गमे, हाठू भाई बहु गमे, थी गए। सगा भाई में इतनी प्रीत नहीं है, साधु भाई बहु साधु। ऐसी स्थिति आ गई, भाई भाई में इतनी प्रीत हो कि मुझसे जो छोटा है उसको ज्यादा मिले, बहुत आनंद बहुत आएगा। तो भगवान राम ये सोच रहे हैं, बंधु विहाय बड़े ही अभिषेक, भरत की याद आ रही है। और यहाँ अयोध्या में तो बाजे बज रहे हैं, जय जयकार हो रहा है। कुछ राम के सखा लोग, मित्र लोग राम को मिलने जाते हैं और प्रभु को राज मिलने वाला है, फिर भी सखाओं के संग भगवान का वर्ताव उनमें कोई परिवर्तन नहीं। गदगद हो गए राम के मित्र लोग, पूरी अयोध्या में गली गली में बिथियों में राम राज्य होने वाला है, उसके गीत गाए जा रहे हैं, चौक पूरे जा रहे हैं, मंगल विधान हो रहा है और अयोध्या उसमें डूबी है। कल कब हो, कल जल्दी हो जाए, राम का राज तिलक हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी स्थिति में देवताओं को कहीं चैन नहीं है। सब देवता लोग एकत्रित हो गए कि कल राम का राज्याभिषेक हो गया तो हमारे लिए कायम की विपत्ति हो जाएगी, राक्षसों को कौन मारेगा। और सभी देवता लोग एकत्रित होकर सरस्वती की वंदना करते हैं, सरस्वती प्रकट होती हैं और सरस्वती को ये स्वार्थी देवता अपने स्वार्थ की बात करते हैं कि आप अयोध्या में जाकर किसी की बुद्धि घुमा दो और राम राज्य न हो, राम राज छोड़कर वन में चले जाए। वीणा पुस्तक धारिणी सरस्वती को देवताओं ने यही निवेदन किया जो गोस्वामी जी ने लिख दिया, विपत्ति हमारी बोलो, विपत्ति हमारी बीलो की बड़ी, मात करिय सोई राम जाहि बन राज तजी होई सकल सुर खाज। हे देवी, हम पर बड़ी विपत्ति आ रही है, इस विपत्ति को देखकर आप इतना करें कि राम गादी पर न बैठें और राज छोड़कर वन में चले जाएं और हम देवताओं का काम हो जाए। बड़े स्वार्थी हैं देवता। सुखदेव जी ने देवताओं की आलोचना करते हुए भागवत में कह दिया, स्व कार्य कुशल ये देवलोग हैं, अपने कार्य में बड़े चतुर है, बड़े स्वार्थी है। स्पष्ट शब्द लिख दिया यहाँ, हो ही सकल सूर काज, हमारा देवताओं का कार्य हो जाए, अयोध्या का जो हो। और देवताओं के शब्दों को सुनकर
ठाड़ सी रह गई सरस्वती, सोचने लगी कि ये कितने ऊंचे रहते हैं और कितना नीचा सोच रहे हैं, रहना ऊपर और मलिन विचार, ये कैसा जीवन है। लेकिन आगे का विचार करके कवि लोग सराहना करेंगे, मुझे बुद्धि प्रदाता मानी जाएगी इसलिए, और राम की इच्छा से वो तैयार हो गई। आगे ले आखिर तो भगवान की प्रेरणा और सरस्वती जी तैयार होती हैं, अयोध्या के नभमंडल में आई हैं, किसकी बुद्धि को परिवर्तित कर दूं कि मेरा कार्य एक रात में बन जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, देखते देखते सरस्वती को एक महिला नजर में आई, नाम मंत्र मंदमती चेरी कई कई गई अज सुपेटारी तारी करी गई मती। पूरी अयोध्या में सरस्वती ने चक्कर लगाई कि किसकी बुद्धि को घुमाऊं, उसमें मंथरा दिखाई दे। गोस्वामी जी मंथरा का परिचय देते हैं कि वो मंदमती है, मति सुमति कुमति, जो मति के कुछ प्रकार रामायण में हैं उनमें ये बिल्कुल निकृष्ट प्रकार है मंदमति। और गोस्वामी जी अपने आप को उसी कक्षा में गिनते हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास। तो कई कई की ये दासी मंदमती है, चेरी है, दासी है। सरस्वती जी ने सोचा कि उसकी उसको अपजस की पेटारी बना दूं, और गई गिरा मति फेर। बड़ा विचारणीय प्रश्न है, वो तो मंथरा का प्रसंग लेंगे तब विगत से बताएं, लेकिन बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि मंदमति थी फिर उसमें क्या फेरफार करने की जरूरत थी, अब कौन का फेरफार, अंत में तो सिर पर विष्टा का टोपला आ गया, फिर क्या बदबू डालने का बाकी था कि गई गिरा मति फेरी। मंदमति तो थी ही वो, अब क्या बुद्धि घुमाने में शेष रहा था। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, अजस इसका मतलब ये हुआ कि अब इस बुद्धि को कोई नाम न दिया जाए, ऐसी बुद्धि कर दी। मंदमती रहती तब तक तो कम से कम तुलसी के समान हो जाती, लेकिन यहां तो मंदमति से भी कुछ ऐसा कर दिया गया उसके जीवन में कि उसकी बुद्धि को घुमा दिया। और हुआ ऐसा कि जब बुद्धि को घुमा दी गई तो अयोध्या का जो उत्सव उसने देखा सर मंथरा ने, उसको अंदर जलन होने लगी, ये सब क्या। और जब सुना कि राम का राज तिलक हो रहा, तो राम तिलक की बात सुनकर तो उसके हृदय में दाग एकदम अग्नि प्रकट हो गया, भयंकर सांस लेने लगी।
दूसरे के सुख को देखकर सुनकर तुम्हारे भीतर जो जलन होने लगती है उसको ईर्ष्या कहते हैं, और जब उसी जलन को शब्दों में जब आप व्यक्त करते उसको निंदा कहते हैं। निंदा और ईर्ष्या का अंतर समझिए। दूसरों की प्रगति, दूसरों की महानता, दूसरों की खुशी देखकर तुम अंदर जलते हो, बोलते नहीं हो, उस जलन को, इस दाह को ईर्ष्या कहते हैं। और जब तुम्हारे जैसा कोई मिल जाए और तुम सब ये उल्टी करने लगो, बमन करने लगो कि फला तो ऐसा है, फला तो, तब वो ही वस्तु निंदा का रूप पकड़ लेती। अब प्रगट निंदा ईर्ष्या है और प्रगट ईर्ष्या निंदा है, सूत्र के रूप में समझ। अप्रगट निंदा जो प्रगट नहीं हुई है वो ईर्ष्या है, और प्रकट हो गई जो ईर्ष्या वो निंदा है। राम तिलक सुनिभा उर दाहु, अंदर एक दाह सी, एक जलन पैदा हो। कई कई के भवन में जाती है, कितनी महान माता जिसने संत जैसे एक महान महात्मा को जन्म दिया, भरत जैसे महात्मा को जन्म दिया, ऐसी मां की बुद्धि ये मंथरा घुमो देगी। और यहां से गीता का ये न्याय बिल्कुल शब्दशः खरा उतरता है। संगत काम पैदा होता है, काम में अड़चन पैदा होते क्रोध पैदा होता है, क्रोध आता है तो धुआं हो जाता है, सम्मोह हो जाता है, आदमी देख नहीं पाता, मोहमूढ़ हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है आदमी क्रोध में। क्रोधात् भवति सम्मोहः, स्मृति। काम से क्रोध आता है, क्रोध से सम्मोह हो जाता है, सम्मोह से आदमी अपनी स्मृति को खो देता है, स्मृति भ्रंश हो जाता है। अर्जुन को मोह हुआ और पहला प्रहार उसकी स्मृति चली गई, इसलिए तो कहता है अंत में आपकी कृपा से फिर स्मृति आई। स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशा प्रणश्यति। और स्मृति का भ्रंश होने से बुद्धि नाश हो जाती है, और मैं आगे चर्चा कर चुका कि एक बार आदमी की बुद्धि नाश हो जाती है सर्वनाश हो जाता। कई कई को मंथरा का संग होने से गीता का ये जो वैश्विक पतन का जो क्रम है वो बिल्कुल सटीक खरा उतरा, पद पद पर खरा उतरा। और ये कोई नहीं, हम सबके जीवन की बात, जब हम में कोई कामना जगती है तब संग करते हैं तो काम जग ही जाता है, कामना में बाधा पड़ती है। नारद के जीवन में भी यही क्रम चला, कई कई के जीवन में भी यही क्रम। इसलिए सबसे पहली बात यह हो गई कि संग पर काबू रखे। बरु भल बास नरक कर प्राता, दुष्ट संग
जनी दे विधाता। नरक में निवास करना अच्छा है, लेकिन विधाता को कहियो कि हमको दुर्जन का संग मत देना। तुलसी जी को किसी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों लिख दिया, तो कहा कि नरक में गिरने से पाप नाश हो जाते हैं, पाप भोग किए जाते हैं और नए पाप बनते नहीं, लेकिन दुर्जन के संग में तो पाप नष्ट नहीं होता और नए नए पाप बनते जाते हैं। इसलिए दुर्जन के संग से नरक ज्यादा अच्छा है। नरक में गए तो एक बात तो सीधी है ना कि पाप भोग ली गए और नए पाप वहां करने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन दुर्जन के संग में तो पाप भोगा नहीं जाता और नया पाप अर्जित किया जाता है। इसलिए मानस की ये चौपाई है, बरु मास नरक करताता दुष्ट संग जनी दे। तो दुर्जन का संग नहीं करना, संग बहुत बिगाड़ता है मेरे भाई। तुम्हारा खान पान बिगड़ गया है, उसका पहला कारण संग है। ऐसे मित्र, ऐसी सोबत, ऐसी कंपनी तुम्हारे सिद्धांतों को बिगाड़ रही है। संग छोड़ो। मैं तो आपके बारे में कम जानता हूं, लेकिन आप लोग में से कई लोग मुझे पत्र लिख लिख कर बताते हैं कि मामला क्या है। संग सुधारो मेरे भाई। निर्माण मोहन जित संग दोषा अध्यात्म नित्या सुख दुख संग दोष को जीतो। ऐसे लोगों का संग मत करो, उसका तिरस्कार भी नहीं, मोहब्बत भी नहीं, उदासीन रहियो उनसे, संग बिगाड़ेगा। तुम हिंदुस्तान में थे तो इतना खाते पीते थे? लेकिन यहां का संग हुआ तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल गया। मेरे भाई बहन में फिर बार बार ये बात आ जाती है तो आपको टोक टोक कर रहा हूं, लेकिन आपकी आपके प्रति ममता है इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे देशवासी भाई बहन, आप अपने आहार विहार को सुधारिए, डॉक्टरों को पूछिए कि ऐसा भक्षण करने से और शराब पीने से तुम्हारे शरीर की क्या दशा होती है। फिर पछताओगे तब बड़ी देर हो गई होगी, इसलिए रुक जाओ। और फिर यहां तो ज्यादा गो मांस चलता है, गाय का मांस हर प्राणियों का होता है लेकिन गो का भी। इसका मतलब ये नहीं, किसी ने मुझे ये भी कहा कि क्या देश में नहीं खाते, देश में भी ये बुराइयां आ गई हैं, लेकिन ये देश का दृष्टांत लेकर ये कोई तुम अपने पक्ष को मजबूत करने की चेष्टा करो वो कोई सयानप नहीं है, वो बुद्धिमता नहीं है। और कथा से आप संकल्प करेंगे तो बहुत बल मिलेगा आपको। तुम्हारे घरों में ऐसा पकाना, ऐसा खाना हमारी समझ में तो नहीं उतरता भाई, ठीक है। हम तो कभी कभी कबूल भी नहीं कर सकते कि ऐसा होता है घर में, लेकिन लोग कहते हैं कि सब ज्यादा ज्यादा घरों में ऐसा ऐसा सब चलता है। सावधान रहियो। प्रकृति का जो नियम है आप जानते हैं, उस पर बहुत खोज हो रही है, शोध हो रही है।
जो प्राणी जीभ से पानी पीता है उसको ही मीट खाने का अधिकार है, होठ से जो पीता है उसको नहीं। गाय भैंस होठ से पानी पीती है इसलिए वो मांस नहीं खाते, कुत्ता जीभ से पानी पीता है, बिल्ली जीभ से पानी पीती है, शेर वाघ जीभ से पानी पीते हैं इसलिए वो मीट खाते, मनुष्य जीभ से पानी नहीं पीता होठ से पीता है इसलिए खाने का उसको अधिकार नहीं है। अधिकार हम तो और तो क्या कहे भाई, हम तो प्रार्थना करें आपको, आप हमारे हैं इसलिए सुधरो तो अच्छी बात है। घर में देवताओं का वास होगा, घर में ऋषियों की चेतना आएगी, तुम्हारा आहार विहार ठीक होगा। तो संग से जीवन बिगड़ता है, संग पर बहुत ख्याल कर। बरु भल बास नरक करता दुष्ट संग जनी दे बिहार। और ये ऐसे खुराक के कारण सबसे बड़ी असर जो तुम पर होती है वो तुम्हारी बुद्धि की तामसता, तुम फिर बहुत बार बार में उलझ जाते हो, सहन नहीं कर पाते, क्रोध आ जाता है, ये सब तुम्हारे खुराक का कारण है, इसे बहुत बड़ी असर हो जाती है। तो संग से जहां जहां जीवन बिगड़े ऐसे संग से दूर रहना, संग तू करो तो पान भाई एवा नहीं कर जो अने भजन मा रह जो भरपूर। संग करो तो ऐसे का करो कि जो हमारे जीवन को बदल दे। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरे प्रतिम मम कथा। सज्जनों का संग करना, साधु चरित लोगों का संग करना, वरना जीवन में बहुत खराबी आ जाती है और फिर बहुत देर हो जाती है भाई, प्लीज तुमको बड़ी मुश्किल होगी। तो कैकेयी माँ का पूरा मानस बदल जाता है मंथरा के कारण, इनके संग के कारण, और फिर सर्वनाश की ओर कैकेयी चल पड़ती है। तो कैकेयी को मंथरा जाकर उनकी बुद्धि में परिवर्तन कर देती है और वो कोप भुवन के लिए तैयार हो जाती है। किसी को पता नहीं कि कैकेयी के भवन में क्या हो रहा है, सब लोग आनंद में डूबे हैं, मस्ती में डूबे हैं। कल राम राजा होंगे, कल राज्याभिषेक हो जाएगा और ऐसे आनंद में सब डूबे हैं, लेकिन कोप भुवन में क्या हो रहा किसी को पता नहीं है। तो आइए कुछ समय के लिए अयोध्या के इस आनंद का दर्शन करें और फिर आगे बढ़ें। राधे राधे राम, जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। सब गाइए। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, श्री राधे। राधे राधे, जय 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 श्री राधे। श्री राधे।
राधे राधे हमारी प्यारी राधे 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 हमारी राधे 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 हमारी प्यारी राधे 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 हमारी प्यारी सब गाइए राधे 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 हमारी प्यारी राधे बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 लाडली प्यारी राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 गाइए राधे 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 हमारी प्यारी राधे 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 हमारी प्यारी राधे 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 हमारी प्यारी राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने राधे 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 लाडली प्यारी राधे 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 जय 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 श्री राधे श्री राधे
हरि बोल 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 हरि बोल
तनय संकट मंगल सुरति राम लखन सीता सहित हृदय वसु। कल सुबह 10:30 बजे कथा रोज के क्रम के अनुसार चलेगी और आप सब जानते हैं कि कल अंतिम दिन है। 1:30 बजे इस कथा का विराम होगा। लंकिनी प्रसंग का उपसंहार करते हुए और संक्षेप में कथा कहते हुए राज्याभिषेक तक की कथा हम सब मिलकर कहेंगे, करेंगे, सुनेंगे। तो कल 10:30 बजे फिर मिलेंगे, भाव और श्रद्धा के साथ होंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान श्री बाल कृष्ण सदगुरु देव की ओ। नमः पार्वती पतये thank you.